देखिए नथ, जेवर या जंजीर, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बहुत प्यार करते हो ना आप महुआ से। प्यार? और ये सब में तेरा पति यानी कि हमारा लौंडा आर्यन भी हमारे साथ मिला हुआ। बस बस कीजिए आप सब। आप हमें धोखा दे ये मान सकते हैं, पर कोतवाल हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। अरे प्यार करता है हमसे, वही घिनौनी हरकत में कभी शामिल नहीं होगा। आप तो का अगर महादेव भी आकर हमसे बोले ना कि कोतवाल ने ऐसा किया है, तब भी नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर आर्यन तुझे खुद बोलेगा तब तो मान जाएगी ना। देख, अरे मुंह बंद कर और सुन। हेलो। हाँ बेटा आर्यन। हेलो। हाँ बाबूजी। हाँ महुआ आ गई क्या घर पे? अरे बेटू इतना घबरा काहे रहे हो? नहीं आई तो भी ठीक है ना। याद है ना काहे शादी रचाए थे हम? हाँ याद है हमें। हमने महुआ से शादी की ताकि हम आपको एक वारिस दे सके। आपकी हाँ में हाँ मिलाया हमने, धोखा दिया हमने उसे। अब हम उससे। हेलो हेलो। सुन ली, हो गई तसल्ली? कोतवाल ऐसा कैसे कर सकता है अपने साथ? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। झूठा है सब, ये सब सच्चाई है। आप प्यार करते हो परंतु ऐसे बच्चे के लिए शादी? गलती की हमने, बहुत बड़ी गलती की हमने, लेकिन ये गलती करने के लिए मजबूर किया गया हमें। और भी सबूत चाहिए तुझे? तो अपनी अम्मा जी से पूछ ले, उनको भी सब कुछ मालूम है। देख राजा, तू आज उसके साथ खड़ा है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। राजा, इसे ही सच्चे प्यार की निशानी कहते हैं। और वो महुआ, तुम जानते हो महारानी ने उसे इतना कुछ बोला, वो ये नहीं मानी कि तुमने उसे वहां छोड़कर आए हो। राजा, वो तुम पे भरोसा करती है, तू भी कर और उसे सच बता दे। देख, और महादेव ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। हाँ राजा, तू जा, तू अपने प्यार की इजहार कर दे। वो तो हमरे बा... अम्मा जी आगे ना ही बढ़िए। देखिए हम विनती करते हैं आपसे, आपको आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर अब हमें ये मालूम अपने तरीके से सुलझा दीजिए। चलिए पीछे हटिए अब आप सब। हमने कहा पीछे हट, सब पीछे हटो। हट रहे हैं, हट रहे, आराम से। हम गोली चला देंगे। पीछे कौन अपनी जगह से नहीं लेगा? महुआ क्या कर रही है? अब महुआ एक किन्नर हमारे घर में रहेगी। अब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। क्यों जाऊं मैं कमरे में? प्रेमलता, समझाओ इसको कि हमसे सवाल करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन कहा ना जाओ अंदर, चलो चलो अंदर चलो। रोबोट तुम रुक जाओ। जी जी भैया। अब वो राज वाला दरवाजा खोलने का समय आ गया। अब बात कर रहे हैं भैया, वो राज वाला दरवाजा। भैया कहाँ है, इतना रिस्क ले रहे हैं? अब और कोई रास्ता ही नहीं बचा।